मेरी नजर में लीडरशिप की क्वालिटी पहले ये है, वो अपने आप को लीड करता है। वो लीडर पहले अपनी जिम्मेवारी लेता है, वो कैसा व्यक्ति बनना चाहता है, मूल्यवान, निस्वार्थ, स्वार्थी के सेवा भाव का। अगर उसमें सेवा भाव है और वो समर्पित करता और फिर समाज ओरिएंटेड है, तो इसे लीडर दो तरीके के होते, एक है पब्लिक फेस और एक है प्राइवेट फेस। मैं हूं पब्लिक फेस, तो कैसे लीडर आप बनना चाहते हैं, प्राइवेट फेस या पब्लिक फेस? अगर प्राइवेट फेस है तो बिल्कुल एकांत में आप कुछ समय चाहिए, फिर आध्यात्मिक तरफ जाइए, सादगी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर तो आपको सब कुछ ईश्वर की दैनिक कृपा मिलेगी। लेकिन अगर आप पब्लिक फेस के साथ जाते हैं तो फिर आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, कानून पढ़ना है, जैसे जिस प्रोफेशन में भी जाना चाहते हैं। लेकिन अंदर की सादगी और साधुत्व नहीं जाता, वो आपके साथ रहता है, इसको लीडरशिप कहते हैं। त्याग को लीडरशिप कहते हैं, अपना त्याग, फिर दूसरों के लिए त्याग, और फिर दूसरों को अपने काम के अपने साथ जोड़ना, ये लीडरशिप। लीडरशिप स्वार्थ नहीं है, लीडरशिप अनथक सेवा है, अनथक सेवा और निस्वार्थ। जिसके पास निस्वार्थ भी हो, अनथक सेवा भी हो और उसमें देना ही जुड़ा हो, वो क्या करता है, वो अपने आप को काबिल बना, और वो भूखा होता है दूसरों के भले के लिए, दूसरों की सेवा। ये मेरे लिए ये है डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। और उसमें फिर सारी क्वालिटीज आती हैं, वो टीम बिल्डिंग करेगा, फील्ड में जाएगा या जाएगी। ये है, ये मेरे लिए लीडरशिप की डेफिनेशन है। शुरू होती है अपने आप से, अपने आप को समझने से कि आप कैसे हैं, आप पब्लिक फेस हैं या प्राइवेट फेस हैं। अगर आप पब्लिक फेस हैं तो फिर आपको अर्पण करना होगा अपने काम और अपनी सेवा भाव में।